मेरा सवाल यह है कि थोड़े दिन पेपर में और मीडिया में देखा है ऐसा, जो स्पोर्ट्स स्टार है वो कहते हैं ही जो कपड़े से तो कपड़े के लिए रिस्ट्रिक्शंस रखे से है, उनको रिस्ट्रिक्शंस करे ऐसा खेलना नहीं, तो वही पिक्चरों में तो बहुत दिन से ऐसा करे, उसके लिए क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने सवाल किया जिसका ताल्लुक हैदराबाद इंडिया से था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे दो सवालात हैं, पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताइए कि आपके दीने इस्लाम ने मना किया है औरतों को ऐसा लिबास पहनने से जिस लिबास से औरतों के जिस्मानी आज़ा की नुमाइश होती हो, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सी ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो कि स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता हैं यानी खेलों की दुनिया से वाबस्ता हैं और वो इस तरह का लिबास पहनती हैं जिस लिबास से उनके जिस्मानी आज़ा नुमाया होते हैं और वो अक्सर औकात टेलीविजन और तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है। और मैं ये भी देखता हूँ कि आप लोगों के दीने इस्लाम ने जिन जिन चीज़ों से मना किया है औरतों को, वो तमाम चीजें ये औरतें कर रही हैं, तो मुझे बताइए कि इस हवाले से आपकी क्या राय है, इस तरह की औरतों को किस तरीके से रोका जाना चाहिए और इस हवाले से क्या वईद आती है। दूसरा सवाल ये है कि आपका टेलीविजन चैनल यानी क्यू टीवी जिस पर आप अपनी वीडियोस डालते हैं और पीस टीवी पर, तो वो तमाम वीडियोस बुनियादी तौर पे होती हैं अंग्रेजी जुबान में, तो उन्हें दूसरी जुबानों के अंदर भी मुंतकिल कीजिए ताकि मुझ जैसे लोगों को समझने में आसानी रहे। जब उन्होंने ये बात की तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके दोनों सवाल मैंने सुन लिए, तो पहले बात करते हैं दूसरे सवाल यानी क्यू टेलीविजन के ऊपर मौजूद मेरी वीडियोज़ के हवाले से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जहाँ ही कोई भी शख्स अपनी जुबान में मेरी वीडियोज़ मेरी तकारीर का तर्जुमा करना चाहे और उन्हें शाया करना चाहे, वो बगैर किसी तकल्लुफ के, बगैर किसी सोच विचार के और बगैर किसी फिक्र के इन चीज़ों को शेयर कर सकता है। मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है और हम किसी किस्म का कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे और ना ही हम ये चाहते हैं कि हम किसी की राह में रुकावट बने, राह में रोड़े अटकाएं। अगर कोई नेकी का पैगाम पहुँचाना चाहता है तो मेरी वीडियोज़ आप जब चाहें जहाँ चाहें शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अब बात करते हैं उस स्पोर्ट्स स्टार की जिसकी तरफ आपने इशारा किया। मैं आपका इशारा समझ चुका हूं, आप सानिया मिर्ज़ा की बात कर रहे हैं। आप ये बात खुलकर भी कह सकते थे कि सानिया मिर्ज़ा एक मुसलमान है और वो इस तरह का लिबास पहनती है जिससे इस्लाम ने मना किया है। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो ये करता हूँ कि मुझे ये बताइए कि सानिया मिर्ज़ा का जो नंबर है टेनिस स्टार रैंकिंग के अंदर, वो पहले 31वां था और अब 34वां या 35वां है। इसका मतलब ये हुआ कि सानिया मिर्ज़ा तकरीबन 4 से 5 दर्जे नीचे आ चुकी हैं। वो औरत जो कि दुनिया की नंबर वन है यानी सेरेना विलियम्स, जो टेनिस की दुनिया की बेताज बादशाह है, मलिका है और सबसे टॉप पर है, कोई शख्स उससे तो नहीं पूछता कि क्या उसका मजहब उसे इजाजत देता है कि वो इस तरह का लिबास पहने जिस तरह का लिबास वो पहनती है। ये सारे के सारे सवालात सिर्फ मुसलमानों से क्यों? मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर कोई शख्स आज जाकर, क्योंकि सेरेना विलियम्स का जो मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है, तो कोई भी शख्स किसी पादरी से, किसी पॉप से, किसी रेवरेंट से आज जाकर पूछ ले कि क्या सेरेना विलियम्स इस तरह का लिबास पहन सकती है जैसा लिबास पहनकर वो टेनिस खेलती है, तो यकीनन आपको आगे से जवाब ये मिलेगा नहीं, वो ऐसा लिबास नहीं पहन सकती। तो फिर वो ऐसा लिबास क्यों पहनती है? हिजाब के बारे में बाइबल ने वाज़ेह तौर पर यह इरशाद फरमा दिया है, अगर आप बाइबल पढ़ें उसका मुताला करें, कि हिजाब एक औरत का गहना है और औरत को हिजाब करना चाहिए। आप किसी भी औरत से ये नहीं पूछ सकते कि वो इस तरह का ड्रेस क्यों पहन रही है जबकि उसके अपने घर वाले उसे इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हो। ये उसका ज़ाती मामला है, उसके मज़हब का मामला है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो कि औरत को इस तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त देता हो जिन कपड़ों से उसके जिस्मानी आज़ा वाज़े हों। चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, आप हिंदुइज़्म की बात करें या फिर आप इस्लाम की बात करें। आपको ये भी बताता चलूं कि वो तमाम कपड़े जो भड़कीले कपड़े हैं जिनके अंदर औरतों के जिस्मानी आज़ा नज़र आते हैं, वो कपड़े औरतों को नहीं पहनने चाहिए। आप ये किसी से पूछ लें, किसी भी मज़हब के बंदे से पूछ लें। आपने इसीलिए देखा होगा कि क्रिश्चियनिटी में जो आप चर्च वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर फादर के साथ जो नन्स होती हैं जिनको सिस्टर्स कहा जाता है, उन्होंने पूरे का पूरा ओवरऑल पहनावा होता है जो कि उनके सर के बालों से लेकर उनके पाँव के नाखूनों तक हर एक चीज़ को कवर किए हुए होता है। और वो कवरिंग जो है उसके अंदर मौजूद वो जो शख्स है, आप उसको देखें, वो औरत मुकम्मल तौर पर ढकी हुई होती है, क्योंकि ये उनकी मज़हबी इबादात और मज़हबी तालीमात का बुनियादी हिस्सा है कि वो अपने पूरे के पूरे जिस्म को ढांप कर रखें। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। हमारे मुताबिक जो कपड़े सानिया मिर्ज़ा पहनती हैं
वो इंतहाई नामुनासिब हैं, उन्हें वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन ये बात जब मीडिया पर आती है तो मीडिया वाले ये कहते हैं कि जी मौलाना साहब जो है वो स्पोर्ट्स के खिलाफ हैं, मौलाना साहब जो हैं वो मुल्क के अंदर औरतों की तरक्की नहीं चाहते, मौलाना साहब जो हैं वो औरतों के स्पोर्ट्स वगैरह खेलने की मतलब मुकम्मल तौर पे मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप मौलाना साहब को जब ये कहते हैं कि वो अपने मजहब तक महदूद रहें और वो आकर स्पोर्ट्स की दुनिया की बात ना करें, तो उन पॉलिटिशन से मैं ये कहता हूँ कि आप भी सिर्फ पॉलिटिक्स तक महदूद रहें, आपके पास कोई किसी किस्म की क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप मजहब पर बात करें। अगर तो आपने हमारे जितनी मजहब की किताबें पढ़ रखी हैं, हमारे जितना आपके पास मजहब का नॉलेज है, या फिर आप हमारे जितना मजहब को समझते और जानते हैं, तो आप आइए बिस्मिल्लाह बात कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो अपने पास से इस तरह की कहानियां बुनना बंद कीजिए और मजहब पर बात करना खत्म कीजिए। गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस कुछ कहते हैं कि सानिया मिर्जा के खिलाफ जो बात करता है वो बुनियादी तौर पे देश के साथ गद्दारी करता है। तो मैं उन तमाम गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस को कहता हूँ जो कि हिंदू हैं कि आप अगर सानिया मिर्जा के ड्रेस का दिफा करते हैं तो आप हिंदुइज्म के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि आपके हिंदुइज्म के अंदर वेद के अंदर जिल्द नंबर 10 चैप्टर नंबर 85 के अंदर बाकायदा ये लिखा गया है कि आपके ब्रह्मा ने लिखा है कि ब्रह्मा ने आपको औरत बनाया है, सो अपनी नजरें नीचे रखें और अपने सर को ढांकें। अब ये बात आपकी अपनी वेद के अंदर आपकी अपनी किताब में लिखी हुई है। अब या तो आप फिर अपनी वेद के खिलाफ चल रहे हैं या फिर आप मुसलमानों के साथ अपना बुगज़ निकाल रहे हैं। अब इन दोनों में से आप क्या कर रहे हैं ये आप नहीं तय करना है। लिहाजा जब ये बात उनके साथ की जाती है वो फौरी तौर पे शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर इसका कोई जवाब बन नहीं पाता, तो फिर वो जिच हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। आप अपने मजहब को एक दफ़ा पढ़ लें, जब आप मजहब को पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपनी औरतों के सतर को भी इसी तरह ढांप कर रखना है जिस तरह से आपके मजहब ने आपको हुक्म दिया है। फिर आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं यह आपका जाती फेल है, लेकिन हर मजहब औरत को अपना जिस्म ढांपने का हुक्म देता है, मशवरा नहीं हुक्म देता है, तो वो हुक्म आपको मानना पड़ेगा। फिर आप दूसरी बात यह कि ये जो कुछ लोग कहते हैं कि जनाब टेनिस जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट है उसके अंदर कपड़े इस तरह के पहनने जरूरी हैं वरना परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि चूंकि आपने देखा होगा कि बीच वॉलीबॉल खेली जाती है जिसमें सिर्फ बिकनी पहनते हैं, तो आप कल को अगर उसको इंटरनेशनल सपोर्ट बना दें तो क्या आप अपने बच्चों को इजाज़त देंगे, आप अपनी बेटियों को इजाज़त देंगे कि वो उस तरह के कपड़े पहन के जाके बीच वॉलीबॉल खेलना शुरू करें? यकीनन नहीं देंगे। और फिर वो कहती हैं जी इस तरह के कपड़े पहन के तो खेल ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि स्विमिंग जो है वो तो बगैर कपड़ों के सबसे बेहतरीन होती है, तो आप अपनी औरतों को कहें वो कपड़े ना पहने? वहाँ पे ये कहते हैं कि हमारी मोडेस्टी के ख़िलाफ़ है। तो फिर ये हमारी मोडेस्टी के ख़िलाफ़ है, हम मुसलमानों की और बाकी मजाहब के लोगों की मोडेस्टी के ख़िलाफ़ है कि औरतें इस तरह के कपड़े पहने जिन कपड़ों से उनके आज़ा वाजे हो रहे हैं। हर बंदे का अपना अपना लेवल है। अब कई मुस्लिम क्रिकेटर्स आपने देखे होंगे ऑन फील्ड जब खेल रहे होते हैं तो वो नमाज नहीं पढ़ते। अब मुसलमानों में और कुफार में बुनियादी फ़र्क ही ये है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, कुफार नमाज नहीं पढ़ते। तो शायद कल को जो सानिया मिर्ज़ा है वो कपड़े भी अच्छे पहनने शुरू कर दे, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा ऑलरेडी नमाज पढ़ती है। तो इस हवाले से हमें सानिया मिर्ज़ा को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर उसको कल को जो है वो इस हवाले से खुदाए बुजुर्गो बर्तन ने रहनुमाई फरमा दी, तौफीक दे दी, तो हो सकता है वो लिबास भी अच्छा पहनना शुरू कर दे। तो ये बात जो है कि उस पर है, हम उसके लिए दुआ करते हैं। हमें सानिया के केस के अंदर हिकमत से पेश आना चाहिए। परफॉर्मेंस जो है जब अल्लाह तबारक ताला की ज़ात का करम हुआ तो वो उसकी बहुत ऊपर चली जाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है कि अगर खुदाए बुजुर्गो बर्तन की रहमत तुमसे अलग हो जाए, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारा साथ ना दे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं जिता सकती। और अगर अल्लाह तबारक ताला का साथ इंसान की ज़िंदगी में आ जाए, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो आपका हाथ पकड़ ले, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो इंशाल्लाह ताला आज कल या कभी भी जब भी अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने करम किया, सानिया मिर्ज़ा अपने ट्रैक पर वापस आ जाएंगी। लिहाजा वो लोग जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं उन्हें खामोश रहना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। रिलीजन 72 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।